आज खड़ा हूं मैं एक ऐसी फैक्ट्री में जहां पे मिलते हैं बहुत तगड़े तगड़े सोफे, सोफे ऐसे जो कर्जा खत्म करवाएंगे। जी हाँ, आप हमारे सोफे बैठोगे, सारा परिवार सोफे बैठेगा आराम से, और आराम से लग्जरी फील लेगा, सारा गुस्सा शान। क्या बात है, जबरदस्त यार, मजा आ गया। और भारत देश में सबसे ज्यादा सोफे बनाने वाले यही भाई साहब है। इस सोफे का नाम है क्लेश खत्म कराने वाला सोफा। ओनर साहब ये बताओ, क्लेश खत्म कराने वाला सोफा, इतना सुंदर सोफा, ये कितने का दे दोगे आप मियां बीबी के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना तहलका भाई। दोस्तों आज खड़ा हूं मैं एक ऐसी फैक्ट्री में जहां पे मिलते हैं बहुत तगड़े तगड़े सोफे और मस्त है बहुत तगड़ा तहलका। जी हाँ दोस्तों, सोफे भी ऐसे जो घर के झगड़े खत्म कराएंगे। जी हाँ, सोफे ऐसे जो कर्जा खत्म करवाएंगे। जी हाँ, सोफे ऐसे अगर चाचा से लड़ाई है तो चाचा को मनाएंगे। जी हाँ, सोफे ऐसे अगर मामा मामी परेशान है तो मामा मामी को बनाएंगे। सोफे ऐसे अगर घर में मियां बीवी प्यार नहीं कर रहे तो प्यार करते चले जाएंगे। सही बात है जी, बिल्कुल सही है सर। अब इनसे जानते हैं ये कौन है, इन्होंने कैसे तहलका मचाया कि परिवार की लड़ाई खत्म करने वाले हैं, मियां बीवी प्यार करने वाले हैं, सोफे ऐसे देने वाले हैं कि मियां बीवी सोफे से उठने नहीं वाले, वहीं बैठ के चाय पियेंगे, पूरा पूरा दिन चाय पियेंगे, उठेंगे नहीं, फैक्ट्री भी नहीं जाएंगे, काम पे भी नहीं जाएंगे, सोफे ऐसे बना दिए। ये बताओ जी, इतना प्यार आपने जनता को कैसे दिया कि सोफे से उठने का मन नहीं करता, इतने सोफे इतने प्यारे। और मैं कह रहा हूँ चाचा की लड़ाई भी आपने खत्म करा दी कि जो चाचा दो साल से लड़ाई करके बैठा होगा घर पे आएगा तो लड़ाई सारी खत्म हो जाएगी। ये ऐसा कैसे करा आपने परिवार को बांधने के लिए? आप हमारे सोफे बैठोगे, सारा परिवार सोफे बैठेगा आराम से, और आराम से लग्जरी फील लेगा, सारा गुस्सा शान। क्या बात है, जबरदस्त यार, मजा आ गया। तो दोस्तों आओ दिखाता हूँ ऐसे ऐसे सोफे जो पूरे भारत देश में कोई नहीं बनाता, ये बनाते हैं। और भारत देश में सबसे ज्यादा सोफे बनाने वाले यही भाई साहब है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी बढ़िया कि भारत में इनसे ऊपर कोई नहीं है। तहलका बता रहा पूरे भारत के अंदर और इतने कम पैसे के अंदर। मैं कह रहा हूं अगर परिवार के दो बच्चे लड़ रहे हैं ना, वो शांत नहीं हो रहे, माँ परेशान हो गई, बाप परेशान हो गया, सोफा लाके घर में रख दो, उस सोफे से उठने का मन नहीं करेगा, ना वो उठ के लात मारेंगे ना उठ के वो मुक्का मारेंगे, एक सोफे वहां बैठ जाएगा, सोफे वहां बैठ जाएगा, दोनों बच्चे शांत, सोफे ही ऐसे हैं, लड़ाई खत्म। मियां भी प्यार नहीं करते, दूर दूर रहते हैं, सोफे ऐसे उठने का मन नहीं करेगा, वहीं बैठे रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, गाल पकड़ते रहेंगे। आ जाओ जी दोस्तों, ये वो सोफा है कि जो मियां बीवी दो साल से लड़ रहे थे ये घर पे चला गया, मियां बीवी का कलेश खत्म। ये सोफा करवाएगा कलेश खत्म, दो साल से शादी हो गई, बात मन नहीं रही, प्यार बढ़ नहीं रहा, ये सोफा बढ़ा देगा प्यार को। इस सोफे बैठेगी बीवी और इस यहां बैठेगा उसका पति, दोनों ऐसे बैठ जाएंगे, दूसरे को देखते रहेंगे, उठने का मन नहीं करेगा क्योंकि इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना गजब का सोफा है। इस सोफे का नाम है कलेश खत्म कराने वाला सोफा। दो साल से जिसके कलेश चल रहे हैं उसके लिए सोफा तगड़ा है, घर में ले आना, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता आपका भाई, जिसपे जो बात कह देता है ना वो पत्थर की लकीर हो जाती है, घर में सुख शांति प्यार बढ़ जाएगा, तहलका मच जाएगा। ओनर से पूछते क्या रेट है इसका? ओनर साहब ये बताओ, कलेश खत्म कराने वाला सोफा, इतना सुंदर सोफा, ये कितने का दे दोगे आप? 3+2+2 7 सीटर सोफा है, पूरी फैमिली इस्तेमाल करेगी इसका? ना ना, मियां बीवी पहले करेंगे, मियां बीवी के लिए 65,000 रुपए का सोफा। ओ तेरी, कलेश का कलेश खत्म, घर में शांति भी आ गई, प्यार ही बढ़ गया, जो पति डेली कलेश कर रहा था, बीवी कलेश कर रही थी, सोफे में बैठेंगे, मुस्कुराएंगे, हंसते रह जाएंगे और कलेश बिल्कुल नहीं करेंगे। तहलका बहुत तगड़ा मच गया जी, मैं कह रहा हूँ अब दिखाने जा रहा हूँ आपको मामा वाले सोफे, चाचा वाले सोफे और जिन दो भाइयों के लिए बनती वो वाला सोफा और मामी वाला सोफा। तहलका बहुत तगड़ा, ये देखिए सोफा आप, इस सोफे पे आपकी गर्लफ्रेंड बैठेगी, वो कभी उठेगी नहीं, इतना प्यारा इतना मुलायमदार ये सोफा है, इतना ये सुंदर सोफा है कि आपकी बंदी खुश हो जाएगी, तहलका बच जाएगा, आपकी बीवी भी खुश हो जाएगी। एक बार आपकी बीवी यहाँ पर आ गई और सोफे पे बैठ गई तो वो आपकी जेब खाली करवा के जाएगी, कितनी खाली, कम, ज्यादा नहीं। रेट सुनोगे फिर से झटका लगेगा, तहलका तगड़ा मचेगा। सोफे की पहले लुक देखो आप, ये देखिए, ये देखो, ये काम, ये अच्छे से अच्छा बंदा नहीं कर पाता, इतना तगड़ा इतना तगड़ा इतना तहलका वाला काम, ये देखिए आप, ये देखो, मेरे को पता है इस सोफे के कम से कम 40-50 ऑर्डर आने वाले हैं तहलका भाई के नाम से। रेट बता रहा हूं, रेट सुनो, जमीन निकल जाएगी, आसमान फट जाएगा और तहलका बच जाएगा। आओ ये बताओ रेट कितना है इसका? ये 3+2+2 सोफा, ओ तेरी, 70,000 रुपए में, जबरदस्त तहलका। मैंने ओ तेरी पहले इसलिए बोल दिया, मेरे को पता है ये जो भाई साहब खड़े हैं ना, ये तो इंसान है, इनका दिल है कि लोगों का दिल जीतना, और शोरूम वाले क्या कर रहे हैं, लोगों का दिल दुखा रहे हैं। अब ये बताओ शोरूम पे सोफा कितने का होगा? ये कम से कम 2 लाख रुपए का। ओ तेरी, 2 लाख का सोफा इतने कम पैसे के अंदर, ये देखो आप नजारे देखो आप, और जिसकी बंदी बैठ गई वो कभी खड़ी नहीं होगी, जिसकी बीवी बैठ गई वो कभी खड़ी नहीं होगी, कहेगी अभी लेके जाओ और तहलका मचा के जाओ, लेके जाएगी तो जाएगी, क्योंकि हर बंदा घर में आएगा ना, परिवार का सदस्य आएगा, चाचा मौसा फूफा, मैं कह रहा हूं तारीफ करके जाएंगे,
खाने की तारीफ चाहे ना करें, खाने की बुराई कर दें, चाहे गाली दे दें, लेकिन सोफे की तारीफ करके जाएंगे। एक नंबर तहलका। आगे आ जाओ, अब बात करेंगे मेरे को जो पसंद आया था। ये देखिए आप, इसे कहते हैं सोफा, और इसका रेट सुनाऊंगा, तहलका मचाऊंगा, टेबल दिखाऊंगा। ये देखिए आप, सोना ही सोना, जिसको सोने का शौक है, सोने की चैन पहनता है, सोने के कड़े पहनता है, उसके घर में ये सोफा होना तो बहुत जरूरी है। और भारत देश में हर बंदा सोना पहन के घूम रहा है, सबके घरों में सोफा होना चाहिए भाई, तहलका तगड़ा मचना चाहिए। एक बार आना जी, ये बताओ जी, किसी के मामा घर पे आए, खाना खाया और गाली देकर गए, चल साढ़े तूने नाश मार दिया, चल साढ़े तूने नाश मार दिया। अब ये बताओ, सोफा देखकर गाली उनकी खत्म हो जाएगी? सोफा देखने के बाद वो सारा गुस्सा शांत उनका, एक बार जरूर पूछेंगे कि ये सोफा कहां से लेकर आया। हाँ, दारोयल फर्नीचर भारत की एक ऐसी शॉप, ऐसी फैक्ट्री जिन्होंने डेली 1000 सोफे बनाने और तहलका मचाना है। इसका रेट बताओ मेरे को, पहले बताओ सीटिंग कितनी है इसकी? इसमें 3+2+2 सीटिंग है और एक सेंटर टेबल 3x3 की सेंटर टेबल है। अच्छा जी, ये सेंटर टेबल है, कंप्लीट सोफा 85,000 रुपए का। ओ तेरी। और ये बताओ शोरूम पे ये सोफा कितने का है? 2.5 लाख रुपए का। अच्छा, इतना दिल दुखा रहे हैं क्या? समझ गया, उनको लाइटों का बिल अपना भरना है, ये करना है, वो करना है, और जनता की जेब से पैसा निकालना है। 15-15 लाख रुपए किराया भरना है उन्होंने। और सबसे बड़ी बात, तहलका भाई का नाम लो, डिस्काउंट मोटा लेके जाओ, और भी डिस्काउंट मिलेगा जी। तहलका भाई के नाम पे सब कुछ डिस्काउंट ही डिस्काउंट पे। क्या बात है, जबरदस्त तहलका। ये देखिए आप, और जिसकी मामी यहाँ पर आ गई और सोफे पे बैठ गई, उसकी मामी यहाँ से उठने नहीं वाली। मामा भी कहेगा भाई साहब जल्दी ले ले, मैं कह रहा हूँ सारे का सारा परिवार खुश हो जाएगा। और जो बंदा लड़ने के मूड से घर में आएगा, चाहे मामा हो, चाहे चाचा हो, चाहे फूफा हो, वो लड़के नहीं जाएगा, गले मिल के जाएगा और सोफे पे बैठ के चाय पी के जाएगा, क्योंकि ये सोफा करता गुस्सा खत्म। आ जाओ जी, एक आपको दिखाता हूँ, इस सोफे का नाम है प्यार करने वाला सोफा। इस सोफे पे बैठ के आप प्यार कर सकते हो, मोहब्बत बांट सकते हो, बीवी के साथ चाय पी सकते हो, उठने का मन नहीं करेगा, पूरा दिन बैठे रहोगे, चाय पे चाय पीते रहोगे, ये वो वाला सोफा है जी। आ जाओ जी, ये बताओ जी, प्यार करने वाला सोफा कितने का है? कंप्लीट सोफा आपको टिफिन टेबल 80,000 रुपए। ओ तेरी। तो ये प्यार करने वाला सोफा, यहाँ मियाँ भी बैठेंगे, उठेंगे कभी नहीं, चाय पीते रहेंगे, पीते रहेंगे, पीते रहेंगे, पीते रहेंगे। आप ये बताओ, इतना प्यार कैसे डाल दिया आपने सोफे के अंदर? सोफे के अंदर प्यार के साथ साथ जंग भी डाली है सर हमने। अच्छा जी, इसके अंदर गद्दी की गारंटी पूरी 5 साल की रहेगी। अच्छा, फ्रेम की गारंटी पूरी 10 ईयर की रहेगी। अच्छा, पूरी 10 ईयर वारंटी। वाह जी वाह, 10 साल तक मियाँ भी बैठ के चाय पिए और दोबारा से इनको याद कर ले, तहलका दोबारा मच जाएगा। ये देखो आप, बीवी यहाँ बैठेगी, पति यहाँ बैठेगा, बच्चे उनको देखते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, तहलका मस्ता रहेगा। और गलती से अगर मामा घर पे आ जाए तो तब भी मियाँ भी उठेंगे नहीं, प्यार करते रहेंगे, शर्माएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि सोफा इतना खतरनाक है। मामा मामी को भी बोलेंगे बैठ जाओ, प्यार कर लो, तहलका बहुत तगड़ा। आगे आ जाओ, इसे कहते हैं मुस्कुराने वाला सोफा। यहाँ पे जो बंदा बैठ गया मुस्कुराता रहेगा, चाहे वो दुखी हो, परेशान हो, टेंशन में, उसके 20 लाख का नुकसान हो गया हो, तब भी वो बैठ के हंसता रहेगा। फीलिंग देखो, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है जी। अब ये बताओ जी, आपने क्या सोच के ऐसा बना दिया कि हर बंदे की टेंशन इससे खत्म होने वाली है? इसका कलर, जो मैंने कलर कॉम्बिनेशन लिया है, वो इसलिए लिया है कि एकदम खिलता हुआ कलर है। इसका नाम भी सोफे का 5 गुलाब नाम है इसका। क्या बात है, 5 गुलाब। क्या बात है, तो गुलाब की तरह इसको निखारा है हमने, जबरदस्त। और इसका प्राइस भी इतना मिनिमम रखा है, सनी भाई आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तेरी। एक मिनट रुक जाओ, मैं दोबारा बोलूंगा, जिसको कर्जा चढ़ाओ, जो बंदा सर पकड़ के बैठा हो, टेंशनों में, मम्मी से लड़ाई कर रहा हूँ, मम्मी कर्जे में आ गया, पापा से लड़ाई कर रहा हूँ, घर पे सोफा ले आओ, सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे आपके। ये सोफा है, आपको हंसाएगा, टेंशन खत्म करेगा और तहलका मचाएगा। जिसके भी ऊपर कर्जा होगा ना 50 लाख का, वो फील ही नहीं करेगा मेरे ऊपर कर्जा हो रखा है, ये वो वाला सोफा है जी। अब रेट सुनो, रेट सुन के ना आपका कर्जा और खत्म हो जाएगा। आप कहोगे सन्नी भाई मैं तो भूल चुका था कि मैंने मोनू को पैसे देने हैं, मैं तो भाई सोफे पे आके बैठ गया, मोनू के फोन आ रहे हैं, सोफे से उठता ही नहीं हूँ, मोनू नीचे बुलाता पैसे देने के लिए, मैं नीचे जाता नहीं हूँ, तहलका मचा रहा हूँ सोफे बैठ के। अब रेट सुनो, आप रेट बताओ जी कितना है? रेट सुन के तो सन्नी भाई भी तंग रहेंगे सोफे के लिए। ये सोफा मात्र टेबल के साथ 55,000 रुपए का। ओ तेरी, क्या बात कर रहे हो सनी भाई, तो बंदा अपना कर्जा ही भूल गया। बस सनी भाई, तो बंदे के जो 5,000 में पूरा 3+2+2+ सेंटर टेबल, तो जो बंदे को धमकी आ रही थी वो धमकियां भूल गया, सब खत्म। अच्छा जी, अब रिलैक्स बैठ के, परिवार में जो मां से लड़ाई कर रहा था वो लड़ाई भूल गया, लड़ाई खत्म। आप बैठ के देखो सोफे में, देखो मेरे पे तो कर्जा है नहीं जी सर, ठीक है, फील देखो आप। अच्छा, ओहो मजा आ गया भाई साहब, जबरदस्त। तो दोस्तों, जो बंदा आपको धमकियां दे रहा है कि आप तेरे ऊपर कर्जा है, तू मेरे पैसे दे, ये कर वो कर, उसको अपने दोस्त को जो धमकी दे रहा है उसको यहाँ पे आके बिठा दो, वो बंदा आपसे लड़ाई नहीं करेगा, उसके साथ चाय पी के जाएगा और ये बोलेगा कर्जा माफ। ये वो वाला सोफा है जी, तहलका बहुत तगड़ा मच गया है। अब लास्ट सोफा दिखाऊंगा आपको, मजा आ जाएगा आपको, आ जाओ जी। दोस्तों, ये वो डाइनिंग टेबल है, अगर आपके परिवार में आपके मामा से तगड़ा कलेश चल रहा है, चाचा से तगड़ा कलेश चल रहा है,
तो घर में ये ले आओ और उनको एक बार मीटिंग के लिए बुला लो, आपका कलेश खत्म हो जाएगा, सारे के सारे गले मिल के जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये परिवार को जोड़ता है, ये कलेश खत्म करवाता है, सबके अंदर प्यार डालता है। अगर आपकी चाचा से लड़ाई चल रही है 2 साल से, एक बार चाचा को फोटो टैग कर दो इंस्टाग्राम पे, चाचा आपका खुश हो जाएगा, आपके घर पे आ जाएगा, तहलका मच जाएगा। ये बताओ जी, ये डाइनिंग टेबल कितने का है? देखो सनी भाई, बैठ के देखो पहले। क्या बात है जी, जबरदस्त, मजा आ गया जी, मजा आ गया, मजा आ गया, रेट सुन के और मजा आ जाएगा। चाचा से लड़ाई हो रखी है मेरी जी, पहले मेरे को फोटो टैग करने को दिखाओ भाई साहब। दोस्तों चाचा को फोटो टैग करूंगा, चाचा से लड़ाई झगड़े खत्म, क्योंकि ये परिवार को जोड़ता है, परिवार बनाता है। ये ऐसा डाइनिंग टेबल है, इसका रेट सुनोगे धरती निकल जाएगी, और चाचा आपको, चाचा इस डाइनिंग टेबल के पैसे देके जाएगा, लड़ाई भी खत्म करके जाएगा, रेट सुनो। चाचा इस डाइनिंग टेबल पे खाना भी खा के जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, डाइनिंग में खाना खाने का? क्या बात है, जबरदस्त। पैसे बताओ जी। सिर्फ मात्र 1,05,000 रुपए में 6 चेयर डाइनिंग। ओते जबरदस्त यार, मजा आ गया। अब बात करेंगे जी एक ऐसे सोफे की, अगर घर में दो भाइयों की लड़ाई चल रही है, वो खुश रहते नहीं है, परेशान रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, माता पिता परेशान हो गए हैं, तो घर में ये सोफा ले आओ, दोनों भाइयों को इस सोफे में बिठा दो, वो ना कभी झगड़ेंगे, ना किसी को मारेंगे, ना कॉलर पकड़ेंगे, ना गाली देंगे, ना लाते मारेंगे। ये सोफा परिवार में दो भाइयों की जिंदगी को बनाएगा, कभी लड़ाई कभी नहीं कराएगा, और दोनों भाई वो वहां से बैठ के इसको देखेगा, वो यहां से बैठ इसको देखेगा, क्योंकि उठेंगे नहीं, सोफा ही ऐसा है, इतना मुलायम, उठने का मन नहीं करेगा। वो कहेगा मारने या तो मारने जाएगा नहीं छोटा भाई, वो कहेगा मारने या तो भी नहीं जाएगा छोटा भाई, क्योंकि सोफा ही ऐसा है। अब ये बताओ, परिवार के दो बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप कह रहे हो सोफा ऐसा है कि लड़ाई कभी नहीं करेंगे, उठने का मन नहीं करेगा? संदीप भाई अभी बैठे हो, आप बताओ कितना क्या फील कर रहे हो? मैं अगर लड़ने का मन भी करेगा आपसे, लड़ नहीं पाऊंगा, मेरे हाथ यहीं के ही रह गए, मेरे पैर यहीं के ही रह गए, है ना, मजा आ गया जी, कम्फर्ट एक नंबर। बस तो इसी चीज के सर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। पैसे बताओ जनता को। पैसे कुछ भी नहीं है सर इसके। हाँ सिर्फ ये सोफा पड़ता है 9,000 रुपए से। ओ तेरी, ये सोफा 35,000 रुपए, 40,000 रुपए, 30,000 रुपए सीट बेच रहे हैं। अच्छा जी, हम दे रहे हैं 9,000 रुपए सीट में सर। जल्दी आओ, तहलका मचाओ, मजा आ जाएगा, तहलका बहुत तगड़ा मच जाएगा। एक बार यहाँ तो आओ मेरे भाई, यहाँ तो आओ, परिवार में कलेश खत्म हो रहे हैं, कर्जे खत्म हो रहे हैं, इस फैक्ट्री में तो आओ, इतनी लक्की फैक्ट्री आपके लिए, एक बार आ तो जाओ, सोफा लेके जाओ, धनी धन, तहलका बहुत तगड़ा, तहलका मैं जाता रहूंगा, बार बार आता रहूंगा। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, तहलका भाई, आपके तहलका भाई का नाम है, तहलका भाई के नाम से लोग प्यार करते हैं और तहलका बचाते हैं, मजा आ गया, ठीक है, सही है, बाय बाय। और अगर आपको और डिस्प्ले देखनी है, और सोफे देखने हैं, और बेड देखने हैं, और बहुत कुछ देखना है, इनकी इंस्टा आईडी पे जाओ, प्यार कमाओ, मैं कह रहा हूँ तहलका मच जाएगा, पसंद आ जाएंगे एक के बाद एक सोफे, सही है। फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तहलका भाई, करता है केयर, दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है, तहलका मचाता है ये, तहलका मचाए।